नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, दरअसल डोली यात्रा के बाद जैन संत का अंतिम संस्कार किया गया। सागर से इंदौर आए परिवार को विश्वास नहीं हो रहा कि आचार्य सिंह ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, ये बड़ी खबर है। और इंदौर में फांसी लगाकर जान देने वाले आचार्य सिंह विदम सागर महाराज का रविवार सुबह 11:30 बजे अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले डोली यात्रा निकाली गई और शनिवार देर रात पोस्टमार्टम के बाद अंजनी नगर स्थित एक भक्त के घर आचार्य श्री के पार्थिव शरीर को रखा गया था। रविवार सुबह से ही उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई थी। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए गोमटगिरी लाया गया, यहां प्रार्थना हुई। गोमटगिरी में एक जैन भक्त की जमीन पर खाली स्थान पर आचार्य श्री का अंतिम संस्कार किया गया। आचार्य श्री के पैतृक गाँव सागर, जिला सागर से लगभग 150 से अधिक की संख्या में परिवार और नज़दीकी रिश्तेदार इंदौर आए और कोई भी इस बात का विश्वास नहीं कर रहा कि महाराज जी ने ये कदम उठाया है। खुदकुशी से पहले अशोक जैन के यहाँ आहार भी किया था। जी हाँ, आचार्य ने खुदकुशी से पहले अशोक जैन के यहाँ आहार किया था और अशोक के अनुसार आचार्य जब आहार के लिए आए तो उनके चेहरे पर किसी तरह का तनाव नज़र नहीं आया। उन्होंने घर में मौजूद लोगों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान किसी बात से ऐसा नहीं लगा कि वे इस तरह का कोई कदम उठाने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि रस्सी कहां से आई। परदेसी पुरा टीआई पंकज द्विवेदी और एफएसएल एक्सपर्ट डॉक्टर बीएल मंडलोई ने बताया है कि परिस्थितियां खुदकुशी का ही इशारा कर रही हैं। अब अंदेशा है वे नायलॉन की रस्सी लेकर कमरे में गए, वहाँ रखी टेबल पर चढ़कर पंखे से फांसी लगा ली। गले में भी रस्सी से लटकने के निशान हैं। उनके पास रस्सी कहां से आई इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। दरअसल हम आपको बता दें, पूरा मामला जो है चातुर्मास के लिए इंदौर आए आचार्य 108 विमल सागर महाराज फंदे पर मिले थे। सेवक अनिल ने देखा तो समाज के लोगों को सूचना दी थी, इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। नंदा नगर गली नंबर 3 में धर्मशाला पर जैन समाज के लोग जमा हो गए और पोस्टमार्टम नहीं करवाने की मांग की। पुलिस ने उन्हें समझाया, इसके बाद महाराज का एमबी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन एक गंभीर विषय यह है कि आखिर ये हत्या आत्महत्या क्या है, ये जांच का विषय है और इसे पारदर्शिता के साथ जांच की जानी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।